बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाल्लाह अज़ीज़ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। दिली दुआएं, शाद रहिए, आबाद रहिए। बहुत मज़े का नाश्ता किया, फिर माशाल्लाह मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड आ गई, फिर हमने खूब मज़े किए। आज का व्लॉग मेरी फ्रेंड के नाम है, मुनस्सा के नाम और उनकी बेटी तैयबा के नाम। और तैयबा से तो ख़ास तौर पे प्रॉमिस हुआ था कि आज ही इसको अपलोड करके तो फिर उसे बताना है कि आज का व्लॉग जो है वो अपलोड हो गया है। माशाल्लाह बहुत प्यार हम में, बहुत मोहब्बत। माशाल्लाह कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बहन भाइयों की तरह होते हैं, आपके हर दुख सुख में आपके साथ खड़े होते हैं। माशाल्लाह अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए, अल्लाह ताला उनके ऊपर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। तकरीबन 6 महीने हो गए हैं अचानक ही तैयबा के फादर अल्लाह को प्यारे हो गए। बहुत दुख, बहुत सदमा, बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है अब अल्फाज नहीं मिलते, बंदा कैसे अफसोस करे, क्या कहे। तो इद्दत पूरी हुई थी मेरी फ्रेंड की, तो मैंने आज उनको बुलाया था। माशाल्लाह दोनों माँ बेटियाँ आईं और बहुत अच्छा लगा। ज़ाहिर है अगर गम की ही बातें करते रहें तो फिर गम बढ़ता ही जाता है। अब ज़िंदगी है तो जीना तो है ना, अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। ये मैंने राइस बनाए थे, बहुत इसरार करके मैंने बिठाया उनको कि आप बैठें फिर हम राइस बनाते हैं, या खाना बनाती हूँ, जो भी कुछ करती हूँ तो करूँगी। माशाल्लाह बहुत अच्छे मज़े के राइस बन गए थे। मुनस्सा की एक और फ्रेंड है, जैसे मैं फ्रेंड हूँ ऐसे उसकी एक और फ्रेंड है। माशाल्लाह उनके हस्बैंड के जाने के बाद मुझे इतनी खुशी हुई ये जानकर, इतना अच्छा लगा। ज़ाहिर है इंसान यकदम ज़ीरो पे आ जाता है, और फिर जो जॉबियन होते हैं, कोई अभी पेंशन नहीं मिली, कोई कुछ नहीं मिला ऑफिस की तरफ से, तो गुज़र बसर तो करनी है ना, इंसान की ज़रूरियात तो ख़त्म नहीं हो जाती वक्त के साथ साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी एक फ्रेंड ने इतना अच्छा इनका साथ दिया, इतना अच्छा साथ दिया। हम सबको ही चाहिए कि हम बहुत अच्छे तरीके से अपने दोस्तों का उस वक्त में ख्याल रखें जबकि वाकई ही उनको हमारी ज़रूरत होती है। अच्छे वक्तों में तो हर कोई साथ होता है। मैं अक्सर सोचती हूँ अगर कोई आपके साथ अच्छा करे उसके साथ तो आप अच्छा कर ही लेंगे। तो जब ये मैं अक्सर फ्रेंड्स में भी बात किया करती हूँ, अपनी क्लीग्स में भी करती हूँ, तो वो मुझे आगे से पता है क्या कहती हैं कि ऐसा नहीं होता, कभी कभी आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ आगे से चंगा नहीं होता, कोई चीटर भी होते हैं। फिर मैं पता है क्या कहती हूँ, टॉपिक कहाँ कि कहाँ जा रहा है, फिर मैं कहती हूँ जो जो चीटर है ना, असल में वो भी टीचर है, वो भी हमें कुछ ना कुछ सबक सिखा ही देता है। हम, मेरा ख्याल है, स्मूथ लाइफ से इतना कुछ नहीं सीखते जितना हम जो चीटर टाइप के लोग होते हैं उनसे सीखते हैं। तो ज़िंदगी का कोई भी मरहला जो होता है ना, वो सीखने से खाली नहीं होता। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार पुलाव बना था और हमने खूब इंजॉय किया, बहुत अच्छा रहा, बहुत गपशप की। अल्लाह ताला दीन दुनिया और आखरत की तमाम तर कामयाबियाँ अता फरमाएं। जाने वालों ने वापस नहीं आना, और जो हैं उनको जीना है, चाहे वो अल्हम्दुलिल्लाह कह के जी लें, चाहे रो धो के जी लें। ज़िंदगी अल्लाह ताला की अमानत है, इसे पूरा करना है और अल्लाह ताला के दिए हुए अहकाम के मुताबिक। ये कड़ी है मेरी बाची की बहू ने बनाई है, फ़र्स्ट टाइम उनके हाथ से उनकी बहू का बनाया हुआ खाना आया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बल्कि मैंने फरमाइश करके कड़ी बनवाई उनसे, कड़ी भी बहुत मज़े की थी। हमने रायता बनाया, सैलड बनाया और साथ में फिर कड़ी भी खाई राइस के साथ, अच्छा लगा। और फिर मैं डेडिकेट करती हूँ आज का व्लॉग तैयबा के नाम। तैयबा प्रिंसेस है हमारी, बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह, आई मिलने, अच्छा लगा मुझे, बड़े दिनों के बाद आई, बड़े सालों के बाद बल्कि आई। अल्लाह ताला आसानियाँ करे इनके लिए। आप भी बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, दुआ और ख़ास तौर पे ये दुआ कीजिएगा कि इनके जो ऑफिस की तरफ से जो काम फंसे हुए हैं वो हो जाएं और कोई रोज़गार अल्लाह ताला चला दे। अल्लाह ताला आसानियाँ करे इनके लिए, अल्लाह ताला इनके बच्चों का हामी नासिर हो, अल्लाह ताला मुनस्सा के लिए खैर आफियत करे, पाक साथ इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सलामती दे, ताकि ये बच्चों को पढ़ा सके और बच्चों को का ख्याल रख सके। बस अल्लाह ताला ही वारिस है और अल्लाह ताला ही संभालने वाला है, अल्लाह ताला की रहमत के तलबगार हैं सभी। और ये बनाए थे करेले, यकीन कीजिए इतने मज़े के करेले, जितना कह लूँ उतना कम, सच सच पूछिए। ऐसे करेले ना हम इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन करते हैं यानी जलाते हैं, और इतने ये ग्रीन ग्रीन नज़र आते होते हैं तैयार होकर भी, पककर भी, फिर भी ये कड़वे नहीं होते। और जनाब ये अब्बा जी के गांव से आया है आमों का टोकरा, थैला, उसकी पैल डाली जा रही है, पता नहीं अब पैल को क्या कहते हैं, मुझे भी नहीं पता इसको और क्या कहते हैं। ये शादिया उसको अपनी प्रोफेशनल तरीके से कर रही है पैक। अनवर अटोल है जी, हमारे साहब को बहुत पसंद है अनवर अटोल, तो इसकी पैल डल रही है। इंशाल्लाह अज़ीज़ पक जाएंगे तो हो सकता है फिर भी हम तानों चल के दिखा के खा पी लवेंगे, की ख्याल है।
हो सकता है असी चल गई बिना दिखाइए तो आप ही सारा खा लीए। तुसी सानू रखना दुआवां च याद। और जनाब बहुत सारी शुक्रिया, आप लोग मेरे चैनल पे आते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, और बहुत शुक्रिया आप सबके कीमती टाइम का। अच्छा लगता है ना जब व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं तो दिल अच्छा हो जाता है, नहीं आते तो वो भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं, अल्लाह वारस है। सभी इतने प्यारे प्यारे दोस्त हैं, कोई बिज़ी हो जाता है, कोई नहीं आ सकता, और बाज़ूकात कुछ हमारे दोस्त नहीं होते वो भी आ रहे होते हैं चैनल पर, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।